नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। हम ट्रैक्टर पे क्यों बैठे हैं इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पूर्वांचल के लिए आज ये खास दिन है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सुल्तानपुर में वायुसेना हाईवे पर उतार रहे हैं, एक्सप्रेसवे पर उतार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान ट्रैक्टर रैली कर रही है। ये तस्वीरें हैं यूपी के मऊ जनपद की, आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर मौजूद है, किसान मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री और देश में भारतीय जनता पार्टी जय जवान जय किसान का ये नारा, जय जवान जय किसान इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के करीब 10 विमान उतर रहे हैं, उनमें सवार होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ, तमाम केंद्रीय मंत्री। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मऊ जनपद में शहर के सोनी धापा में ये किसानों से समर्थित ये रैली की जा रही है, ट्रैक्टर रैली की जा रही है और ये तस्वीरें हैं यूपी के मऊ जनपद की। ऐसे में अहम हो जाता है कि क्या ये रैली किसानों के जो बिल पास हुए हैं उसको लेकर है या फिर ये एक भारतीय जनता पार्टी की चुनावी स्ट्रेटजी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर मौजूद हैं और ये ट्रैक्टर रैली मऊ के इस सोनीधापा ग्राउंड से शुरू होकर ये कलेक्टेड जाएगी और एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के जो बिल लाए हैं वो सही है। काफी संख्या में किसान यहाँ आए हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या नाम है इनका, आप इसी में आए हैं, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार पांडे। कहाँ घर है आपका? टुमराव। किसान है या कार्यकर्ता? किसान। ये ट्रैक्टर रैली क्यों निकालने की जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को? किसान रैली, ये जो ट्रैक्टर रैली है ये क्यों आखिर निकालना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को? जिला पंचायत के अध्यक्ष कौन टिकाए थे, निकाले थे रैली ना, माननीय निकाला जा रहा है उसी के विरोध में। हाँ, तो क्या मानते हैं जो किसान बिल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लाया वो सही है? सही है, सही है। और भी किसान है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अरे हम नहीं बोल पाएंगे। जो किसान बिल है वो आप कार्यकर्ता हैं या ये किसान है? मंडल अध्यक्ष है। मंडल अध्यक्ष, तो क्या ये रणनीति है आपकी, क्यों ये निकालना पड़ रहा है किसान ट्रैक्टर? किसान को जागरूक करने के लिए। क्या जागरूक करेंगे? जैसे जो बिल, जो तीनों बिल पास हुई है वह बिल जो है कि किसानों के हित में है, न कि विरोध में। जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पे कुछ और किसान है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? ललन सिंह। किसान आए हैं यहाँ पे आप की पार्टी कार्यकर्ता है? नहीं, किसान है। क्यों ये भारतीय जनता पार्टी को ट्रैक्टर रैली क्यों निकालना पड़ रहा है? किसान इकट्ठा करने, किसान इकट्ठा होकर आएंगे। अच्छा, उधर तो किसान विरोध कर रहे हैं कि बिल सही नहीं है। नहीं, सही है, गलत सही है, आप मानते हैं सही है? सही मानते हैं। क्या नाम है? राम सिंह नाम है। ये रैली क्यों निकालना पड़ रहा है, इतने सैकड़ों संख्या में ट्रैक्टर क्यों निकालना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी? ये किसानों के लिए निकाला जा रहा है रैली। किसानों के लिए क्यों? किसान तो भाई विरोध कर रहे हैं कि जो आप बिल पास किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो गलत है, वो तो गलत ठहरा रहे हैं, तो फिर ये किसानों को रिझाने के लिए क्या? ये सही किसानों के लिए रैली निकाला गया है, वो जो है वैसे फर्जी है लोग। बिल को आप सही मानते हैं? हाँ। चलिए, तमाम लोग हैं जो रैली को सही बना रहे हैं, लेकिन हमें इस तस्वीरों में दिखा दें आपको कि किस तरह से यहाँ पर ये रैली निकाली गई है और आपसे कुछ देर बाद जब ये रैली शुरू होगी तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पूर्वांचल के इस इलाके में ये अहम दिन हो जाता है क्योंकि पूर्वांचल में आज के दिन प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं और वहाँ पर सेना के कई विमान उतर रहे हैं और यहाँ किसानों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ट्रैक्टर रैली निकालना पड़ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी इस यूपी के चुनाव में जय जवान जय किसान का ये नारा और ये इसको सार्थक करने में जुटी हुई है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सबसे तेज न्यूज के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।